चलो चुप जाओ, बात ना करो, कोई बच्चा बात ना करो। देख लो, लास्ट वाली क्लास में पढ़ रहे थे प्रिज्म, और प्रिज्म के बारे में मैंने उसकी परिभाषा बताई थी, और ये बताए थे प्रिज्म दो प्रकार के हो, एक प्रकार का तो हो हमारा संभव प्रिज्म, और दूसरा हो हमारा समद्विबाहु प्रिज्म। समद्विबाहु जो समद्विबाहु त्रिभुज था, समद्विबाहु प्रिज्म था, उसे आप स्टडी नहीं करने वाले, संभव प्रिज्म की स्टडी करने वाले, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, इक्वल। बुझा रहा है? इतना ही पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में, और आज बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ाने वाले तुम, हमेशा याद रखनी जो चीज आज तुमको पढ़ाने वाले और तुमसे सुनने वाले भी, और गारंटी के साथ पेपर में भी आने वाला। तो स्टार्ट करें, किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। आज बैठे हम पढ़ने वाले जो प्रिज्म हो ना, प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा एक घटना हो, वो घटना कौन सी हो? जैसे आप प्रिज्म लेकर आओगे ना मार्केट से, तो आप ना उसके पास से कोई श्वेत प्रकाश किरण को गुजारिएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। आप हाथ में एक टॉर्च ले लीजिएगा और उसको प्रिज्म से गुजारिएगा, और आप देखेंगे जो जो आपने टॉर्च गुजारी है उससे, वो सात कलर में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, सात रंगों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो हम आज ये समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। वर्ण का मतलब हो बट जाना, विक्षेपण टूट जाना अलग अलग भागों में अंदर। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने ही अवयवी सात रंगों में विभक्त हो जाती है, बट जाती है, विभाजित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हर साल पेपर में आता है, इस साल भी आ सकता है। बुझा रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, यहां लिखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, हेडिंग में बना रहा हूं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण इसे ना वर्ण विक्षेपण को हम एंगल इसे बोलते हैं, डिस्प्रेशन। इसका मतलब हो कि प्रकाश का ना अपने ही भागों में टूट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता, सात रंगों में बट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता। मैं इतनी बार बोलूंगा तुम बता कि तुम्हारे याद हो जाए, तुम्हें याद करना ही होगा, इधर के ना जान याद ना करने के बीच में और याद करने के बीच कोई चांस नहीं है, करना ही होगा। समझ में आया बात? या अभी तुमसे सुने भी जाने वाला है ये, सुन लो। चलो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। अब मैं प्रिज्म बनाने जा रहा हूँ, ड्राइंग और ड्राइविंग दोनों दोनों ना अब मुझे धीरे धीरे अच्छी लगने लगी, इधर देख लो। हाँ, ये रहा आपका प्रिज्म, चुप जाओ बात ना करो। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, याद रहा ये बात? या कोई प्रॉब्लम? बुझा रहा है? मजा आ रहा है? इस वाले कौन कौन हम, इस वाले कौन कौन प्रिज्म कौन कहते हैं, प्रिज्म कौन, विच इज डिनोट बाय ए, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, याद रहेगी? प्रिज्म कौन, देखो कैसी मार पड़ने वाली तुम अभी अगर तुम याद नहीं करोगे तो। इसे प्रिज्म कौन कहते हैं, ये हमारा प्रिज्म कौन। ठीक, अब जो ना कोई लाइट, देखो यहाँ से कोई लाइट ब्रेक कर, लाइट गुजारते हैं और ना कैसे ब्रेक हो जाती है लाइट, लाइट गुजारते हैं देखो कैसे ब्रेक हो जाती है लाइट। यहाँ दो मार्कर रखोगे ना, अरे यहाँ मार्कर रखोगे बेहुदा इंसान, एक और मार्कर होगा वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें दिल लुट गए। ये गई प्रकाश किरण ऐसे गुजारने, इसे पता क्या कहते हैं, व्हाइट लाइट परफॉर्म, ऐसा हिंदी में कहते हैं श्वेत प्रकाश किरण, श्वेता नहीं श्वेत प्रकाश किरण, ऐसा नहीं बोल ले करो मुझे उसकी याद आ जा, श्वेत प्रकाश किरण, श्वेता नहीं आयत की आयत, तो आयत थी यार, बात ना करो यार, आयत का दूसरा नाम था मेहरूना, अब तो दो बच्चे उसके भाई तुम जाओ। श्वेत जो प्रकाश किरण हो ना, जो श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हुई हो, सब सुनूंगा तुमसे आसान और सिंपल भाषा के अंदर, याद रखना पूछो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो क्या,
पैत प्रकाश, तो प्रकाश योरा लियो प्रकाश। कवण, वण का मतलब वो टूटना, विक्षेपण बट जाना, वण विक्षेपण। सब प्रकाश का जब प्रकाशी किरण ना, कोई श्वेत प्रकाशी किरण ना किसी भी प्रिज्म से होकर गुजरती होगी। आप एक्सपेरिमेंट खुद ही कर सकते हो, आप एक प्रिज्म ले लीजिएगा और एक ना मार्केट से टॉर्च आती है उसको ना बंद अंधेरे वाले कमरे में लाइट बंद करके उससे उससे गुजारिएगा। जैसे आप उससे गुजारेंगे तो जो प्रकाशी किरण है आपको सात रंगों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप इस घटना को ना प्रकाश का मन विक्षेपण कह सकते हो। यस और नो? ठीक। इसी घटना को ना प्राकृतिक रूप में आप इंद्रधनुष की फॉर्म में दे सकते हो, जिसे इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। रेनबो, रेनबो आपने देखा है, रेनबो इंद्रधनुष, गांव की भाषा में उसको बुढ़ी की भेड़ कहते हैं। यस यस यस। अभी आप किसी गांव के व्यक्ति से बात करिएगा, उससे पूछिएगा, वे आपको बताएंगे इसको बुढ़ी की भेड़ भी कहते हैं। ओके चलो चलो, यहां देख लो श्वेत प्रकाशी किरण प्रिज्म से गुजरती होगी। देखो सात कलर में कैसे बढ़ती है, एक कलर ऐसा मान के चलो यार सात कलर होंगे यार, ये दिमाग खराब हो रहा। रेड कलर का मार्ग नहीं आया। देखो देखो जो पहले वाली, ये जो प्रकाशी किरण है ना, ये आपको सात रंगों में बढ़ती हुई दिखा देगी। ये सात रंग पता कौन कौन से होंगे, आ जाओ, जो सबसे ऊपर का रंग होगा ना वो रेड होगा। रेड, वाओ, रेड माने क्या हो, दैट इज माय फेवरेट कलर। सच में अभी सोच रहे हो लाल रंग तो पक्का कुछ यादें जुड़ी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे लाल रंग खतरे का प्रतीक हो, खतरे के निशान लाल रंग के बनाए बनाए जा, और मुझे खतरा लेना बहुत अच्छा लगता है। समझ में आया बात, हाँ कोई दिक्कत थोड़ा ही है, मैं तो हर दिन को आखिरी समझ जीतता हूँ, और तुम ऐसा मत करना बिल्कुल। लाल पहले प्रकाश किरण लाल रंग की, दूसरी अभी बताऊंगा, तीसरी, चौथी, चार, पांच, छः, बात नहीं करो बिल्कुल भी, कोई दिक्कत यहां तक। ये सात कलर, इन सात कलरों के नाम भी बता रहा हूँ मैं आपको, और याद भी करवाऊंगा, और याद करने के अलग अलग तरीके। आधे बच्चों के सात कलर के नाम ही नहीं याद होते, ऐसे बच्चों बचपन में याद कर रहे थे सात रंगों, पांच रंगों के नाम लिखो। यहाँ सात रंगों के नाम लिखने, इन्हें ना विबग्योर की सहायता से याद रखा जा सकता। विबग्योर, अब ये क्या जुगाड़ हो, आजाओ ये भी दिखाता हूँ। विबग्योर क्या हो, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। इन सात रंगों को विबग्योर के नाम की सहायता से याद रखा जा सकता। आइए मैं आपको एक 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 कलर का नाम बता देता हूँ, कैसे कैसे दिखाई देगा, और फिर तुमसे सवाल पूछूंगा, बड़े बड़े सवाल बड्डे। अरे यार से है क्या विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर, आया समझ में? नहीं नहीं, यहाँ देख बाबू, बाबू इधर, जो वी है इसका मतलब वॉयलेट, वॉयलेट इसका मतलब बैंगनी, आई यानी जो आई, इसमें जो आई है इसका मतलब इंडिगो, इंडिगो इंडिगो इसका मतलब वो आसमानी, आसमानी, तो आसमानी लोगो बैंगनी लोगो। बी, बी का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, उसके बाद जी इसका मतलब वो ग्रीन, हरा, कोई दिक्कत है तक, तो क्या येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्लू पेड़ा, ओ ऑरेंज मतलब नारंगी, याद रहेगी बात, फेवरेट कलर लाल,
याद रहेगी बात, कोई दिक्कत? इन सात जो रंग हैं, सात रंगों को नाप विबग्योर, विबग्योर वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर, विबग्योर की सहायता से याद रख सकते हो। और इसमें ना अलग अलग कलर का अलग नाम ना हो, और आपको जानकर हैरानी होगी इन सात रंगों के समूह को ना स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम, सात रंगों का समूह स्पेक्ट्रम कहलाता है। याद रहेगी बात, याद रहिए, इस पूरी घटना को प्रकाश का वर्णविक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्णविक्षेपण, इस पूरी घटना को प्रकाश का वर्णविक्षेपण कहते हैं। और इसमें ना जो सात रंगों का समूह होता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम। बुझा रहा है, समझ में आ रहा है? स्टार्ट करें। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताओ कि प्रकाश का वर्णविक्षेपण किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे? क्या बताओगे? जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, पास होती है, तो वह अपने ही सात रंगों में बट जाती है। इन सात रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन सात रंगों के समूह को विबग्योर की सहायता से याद रखा जा सकता है। हिंदी वाले लोग ऐसे भी याद रखते हैं सर? हिंदी वाले लोग पता कैसे याद करते हैं? देखो हिंदी वाले, बे बे आ नी हा पा ना बेहनी पाला, बे आ नी हा पा ना ला, याद रहेगा बात? ऐसे याद रखते तो दिक्कत वही सही है, समझ में आए बात? कौन सा? बे आ नी हा पाला ना पाला, बेहनी पाला, बेहनी पाला, वही ठीक है, वही ठीक। सात रंगों के समूह को कहते हैं स्पेक्ट्रम, सात रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो सात रंग है इनके समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम बन जाता है। देखो स्पेक्ट्रम बन, समझ में, समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? बुझना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बुझा रहा है। इसमें क्या है? अरे भाई साहब, हम बोले आपको ये एक प्रिज्म है, प्रकाश किरण है, सात रंगों में बट जाती है, इस घटना को प्रकाश का वर्णविक्षेपण कहते हैं, सात रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें का धनिया याद करना है, इतना ही याद करना, यही पता होना चाहिए। जहां से सवाल पूछे जाने वाले वो हम बताकर चलेंगे, जितना बताएं इतना याद करें। भाई साहब नहीं बनाने का, बोल दें ना तुमको, बोले कोई प्रॉब्लम है? बुझा रहा है? आगे चलें। श्वेत प्रकाश किरण ऐसे लिखोगे, देखो इसके अंदर अभी ये लिखने वाले हैं आप, हेडिंग बनाओगे प्रकाश का वर्णविक्षेपण। सुन लो, जब पहले सुनाओगे मुझे, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने ही सात रंगों में बट जाती है। इतना इन सात रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन सात रंगों के समूह को विबग्योर की सहायता से याद रखा जा सकता है। फिर ये नाम लिख दोगे, समझ में आया बात? यह विबग्योर की सहायता से याद रखा जा सकता है। यह पूरी घटना प्रकाश का वर्णविक्षेपण कहलाती है। लिख ले जाओगे? लिख ले जाओगे? नहीं कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो, यहाँ ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, सवाल कहाँ से बनते हैं और पूरी जिंदगी काम आने वाले तुम्हें बात, समझ में आया? ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, जो मैं समझाने वाला हूँ पूरी जिंदगी काम आने वाली, हर पेपर में काम आने वाली। अभी कल पुलिस का पेपर हुआ, उसके अंदर एक क्वेश्चन ने पूछ रखा था कि जो मनुष्य का वस्तु का प्रतिबिंब है ना वो कहाँ बनता है, अंतिम जाकर, अंतिम लास्ट जब वस्तु को देखते हैं, लास्ट लास्ट आंख के भीतर कहाँ बनता है, आंख के भीतर चार ऑप्शन, दर्द पटल पर, देख ध्यान से सुन, याद सुनना, नंबर फर्स्ट नेत्र लेंस पर, पुतली पर, काचाब दर पर, रेटिना पर, सबसे लास्ट में जाकर कहाँ बनता है, रेटिना पर, यही ऑप्शन पूछ रखा था पुलिस के पेपर में, एक सवाल पूछा था मानव नेत्र, समझ में आया बात? यह तो बताओ, तुम पढ़ रहे हैं यहाँ से और पेपर करोगे वहां से, समझ में आया बात? यह तो यहाँ की आज का पढ़ा हुआ तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी में बेनिफिशियल साबित होगा, समझ में आया? इसलिए आज थोड़ा तमीज से मेहनत ध्यान लगाकर पढ़ लो, आगे पढ़ने की जरूरत ना है, समझ में आया? इन तीन दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं बहुत ध्यान पूर्वक गुजार लो,
समझ में आ बात है। मेरा मानना इन मतलब नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं में इनमें बच्चों को कभी भी ट्यूशन तो मिस करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, समझ में आ बात है। क्लास में बैठने का भी बहुत फायदा हो, याद रखना बात है ठीक। चलो, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह सात रंगों में बट जाती है। इन सात रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम सात रंगों के समूह को विबग्योर की सहायता से याद रखा जा सकता है। विबग्योर, विबग्योर, वी आई बी जी, विबग्योर, विबग्योर की सहायता से याद रखा जा सकता है। यह पूरी घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया? किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं आया था? अब हम अपनी कहानी आगे बढ़ाने वाले और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज बताने वाले तुम्हें, जो आने वाले पेपरों में बहुत पूछी जाती है, कंपटीशन में तो बहुत पूछी जाती है, और गवर्नमेंट जॉब के पेपर में बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। समझ में आया? चले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी? ठीक, पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि तरंग दैर्ध्य कैसे कहते हैं। तुमने नवीं क्लास में पढ़ा होगा कि तरंग दैर्ध्य क्या हो। क्लास में नवीं क्लास तो पानी में बह चुकी होगी, लेकिन इसलिए मैं अपने अपने हिसाब से बताता हूँ क्या हो वेवलेंथ। छोटे से लेकर बड़े तक की परीक्षा तुम्हारे बहुत आराम आराम से हो जाने वाली, अगर मुझे सुन लोगे। सारा काम मुझे सुनने का, समझ में आई बात है? इसलिए कहते हैं बड़े लोगों को सुनने की आदत डालो और बड़े लोगों को ना सुनो ध्यान पूर्वक। समझ में आई बात है? बड़े लोग ऐसे नहीं बनते, समझ में आई बात है? तो बड़े लोगों को सुनने की आदत डालो, उनके पास रहने की आदत डालो, सब बड़े ही बन जाओगे। समझ में आया? हाँ, देखो इसमें भी देखो फिजिक्स की किताब का जो रखा हुआ प्रिज्म बना हुआ, नहीं बारहवीं क्लास की किताब है ये प्रिज्म आया। समझ में या देखो लाइट आई, यहाँ व्हाइट लाइट आई और ये प्रिज्म रखा हुआ सात कलर में बट गई। सबसे ऊपर की रेड या ऑरेंज आया, समझ में? ऑरेंज देख रही, ऑरेंज नहीं, उसके बाद येलो पेड़ा, उसके बाद ग्रीन हरा, उसके बाद ब्लू हुआ, इंडिगो हुआ, वायलेट हुआ। देखो ये ग्लास प्रिज्म कांच का प्रिज्म है, समझ में आया बात है? डिस्प्रेशन ऑफ लाइट, डिस्प्रेशन प्रकाश का बड़ विक्षेपण, इसे डिस्प्रेशन ऑफ व्हाइट लाइट बोलते हैं। श्वेत पर प्रकाश का बड़ विक्षेपण, इसे भी यही हम पढ़ रहे हैं। बारहवीं क्लास की फिजिक्स की बुक पर भी लिखा हुआ है ये। नूतन की बुक किसकी? नूतन मेरी फ्रेंड नहीं आती, नूतन इसके राइटर का नाम है यार, प्रकाशन करते ठीक है, याद रहेगी बात है? कोई प्रॉब्लम? चले, समझ में आया? दिमाग खोलकर बैठना, दिमाग सबके अंदर बराबर हो। मैं भी कह रहा हूँ, कोई कम यूज करता, कोई ज्यादा यूज करता, यूज सब करते हैं, कोई अलग दिशा में, कोई अलग दिशा में। समझ आए? किसी को पढ़ाई चाहिए, किसी को लड़ाई चाहिए, आया? समझ आए? किसी को इंटरटेनमेंट चाहिए, किसी को पढ़ाई चाहिए, समझ आई? किसी को अपना भविष्य सुधारना, अपने घर का कैरियर, अपना कैरियर सुधारना, अपने घर वालों का इतिहास सुधारना, और किसी को ना मटर गश्ती चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड का कैरियर सुधारना। सही है बात या बॉयफ्रेंड का कैरियर सुधारना, यही तो हो तो तुम खुद पढ़ाई सब करते हैं, आया? समझ में? दिमाग भी सब यूज करते हैं, दिमाग लेकिन उल्टी दिशा में यूज करते हैं। और दिमाग सब बराबर हो, जो एक इंसान हो ना, जो पूरी दुनिया में सबसे सबसे खतरनाक इंसान था, उसने अपना जो इंसान तक दिमाग यूज करा मात्र 13% दिमाग यूज कर पाया। स्टडीज बताती हैं कि मनुष्य आज तक अपना केवल 13% दिमाग यूज कर पाया, और देख लो उसने ना एक लोहे की वस्तु को आकाश में उड़ा दिया 13% दिमाग यूज कर, एरोप्लेन। आया? समझ में? मोबाइल फोन बना दिया, बैठे बैठे तुम बात कर सकते हो, हाय बेबी कैसी हो, आप तो ऐसे लग रहे हो, ये हो वो हो फलाने हो, कर सकते हो नहीं कर सकते? बेबा कैसा हो बेबा, आया? समझ में? कर दिया ना 13% का कमाल है। सोचो मनुष्य ने तो 50% भी अपना दिमाग यूज कर दिया तो कहां पहुंच जाने वाला हो, इतना दिमाग प्रत्येक मनुष्य के अंदर मौजूद है। समझ में? ठीक, इसलिए कहता हूं उसे उल्टी दिशा में ना खपाओ, पढ़ने में ध्यान लगाओ। चलो, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसे डिस्प्रेशन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सात रंगों का समूह कहलाता है स्पेक्ट्रम। इन सात रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। सात रंगों का समूह, सात रंगों का समूह, रंगों का समूह क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। सात रंगों का समूह स्पेक्ट्रम कहलाता है। कोई दिक्कत? क्या विबग्योर? कोई प्रॉब्लम? क्या पढ़े आज हम? क्या पढ़े आज? कोई प्रॉब्लम? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बता दोगे? जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण
किसी किससे गुजरती है? कितने रंगों में बट जाती है? सात रंगों के समूह को क्या कहते हैं? सात रंगों के समूह को किसकी सहायता से याद रखा जा सकता है? विवियोर की। वि का मतलब क्या हो? वॉयलेट। वॉयलेट का मतलब? आई का मतलब? इंडिगो। मतलब बी का मतलब? ब्लू का मतलब? जी का? ग्रीन का? पेड़ा? नारंगी? रेड? कोई दिक्कत? चले चलो भाई, अब हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, सब निकल गया, आराम से निकलोगे। उसके बाद अब हम समझने वाले वे सवाल जो वहां पूछे जाएंगे, समझ गए? बड़े बड़े, छोटे छोटे पूछे जाते, दसवीं पूछे जाते, एक एक नंबर पूछे जाते, लेकिन समझ में आया बात ये? अरे एक एक नंबर के जो सवाल हो ना, ये बता बड़े पेपर में, ये एक नंबर के नहीं, कई लाख नंबर के हो हैं। आए समझ? जैसे मैंने तुम्हें एक सवाल बताया रेटिना वाला, अंतिम प्रतिम लास्ट में वास्तु में जाकर रेटिना बनती है। रेटिना का दूसरा नाम दे रखा था उसमें हिंदी में परितरीका, परितरीका, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ था रेटिना। डोंट वरी, समझ में आया बात है? इसलिए इंग्लिश को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, समझ में आया बात है? हर चीज जो भी पढ़ते हो, चाहे मैथ पढ़ो चाहे साइंस पढ़ो, हर चीज को ब्रैकेट में इंग्लिश में जरूर लिखो, समझ में आया? जब तुम इंग्लिश सीख सकते हो, ओनली इंग्लिश पढ़ने से कभी इंग्लिश नहीं आती, समझ में आया बात है? कि ग्रामर का ट्यूशन लगा लिया और साल भर रात दिन जाकर ऐसी तैसी करवा रहे और ग्रामर ग्रामर पढ़ते चले जा रहे, आ कुछ नहीं रहा, समझ में आया बात है? नहीं पता समीकरण इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। हाँ हाँ, वो ऐसे ऐसे भी रात दिन गर्म और मेरे पे ये आता है, पास्ट टेंस आता है, फ्यूचर टेंस आता है, पेपर वहाँ कुछ भी नहीं आता, सिर्फ पेपर वहाँ पेपर में तो कुछ भी नहीं आता, समझ में आया? पेपर में वही आ रहा जो मैं दो दिन पहले बता रहा, ऐसे भी तो हो तो सर डिस्प्रेशन ऑफ लाइट बोलते हैं, डिस्प्रेशन बात देखो, देखो एडवांस बिल्कुल भी, मैंने कहा पहले क्या रखा, मैं एडजस्ट नहीं होता, अच्छा बेटर होगा। नेक्स्ट नंबर फर्स्ट में आपको ये समझाना चाहता हूँ यार, तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य, ये तरंग दैर्ध्य एक वर्ड, इसे सुन, इसका मतलब समझो क्या हो तरंग दैर्ध्य? तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की दूरी होगा सर, ध देख लिया अपने आप लिख लिया, मैं भी इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ, याद रही बात है? तरंग दैर्ध्य है, आसान मतलब, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वेवलेंथ, आया समझ में? कौन सी लेंथ जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हारे कानों तक सुनाई नहीं जा रहा, अगर तुम पाकिस्तान में बैठे होते सुनाई देता, अपने घर होते सुनाई देता, फोन तो सुनाई देता, सही बात है ना? बुझा रहा है? जो मैं तुम्हें बोल को बता रहा हूँ ना, उसकी सीमा हो बस, हुआ एक डेढ़ किलोमीटर तो फालतू जा सकता हो, एक किलोमीटर तो भी बहुत मुश्किल जाने वाला, 500, 600, 700 मीटर तक जो तुम बोल लोगे, इतना आधी बात लगे जिनका गड़ा बड़ी वाले दही ने कर रखा हो, वो लग के हो उनका दूर तक जा सकता होगा साहब। तो जो मैं तुम्हें बोलता हूँ ना, ये तरंग ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती दिखा दिखाने, ऐसे चलती है तरंग, प्रकाश तरंगे भी ऐसे चलती है, प्रकाश तरंगे भी ऐसे चलती है, तुम्हें दिखाई दे भले सीधी दे रही है ऐसे बजब, लेकिन इनके पीछे जुगाड़ देखा जाए ना, ऐसे चलती है, कोई दिक्कत? ये प्रकाश तरंग मान लो कोई बाबू इधर देखो, अब देखो मैं इस तरंग को दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं, कोई दिक्कत यहां तक? ये प्रकाश तरंग ऐसे चल रही, चल रही प्रकाश तरंग, नहीं काउंट करने प्लीज बाबू प्लीज, यहां ध्यान से देखना, दो तीन वर्ड समझाऊंगा मैं, ये प्रकाश तरंग ने अपना अर्ध चक्र कंप्लीट कर लिया है और यहाँ जाकर पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, यहाँ एक चक्कर कंप्लीट हुआ, तो जहां तक एक पूरा चक्कर कंप्लीट हुआ ना, आया समझ? और ये बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, या एक ही बिंदु होगा यहाँ, एक बिंदु यहाँ होगा, यहाँ बिंदु एस मान लो, यहाँ एन मान लो, ये बहुत कम दूरी होगी, सबसे कम दूरी होगी, इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, इसका नाम है लैम्डा, लैम्डा, याद लैम्डा नहीं आया हो, लैम्डा
कौन बोलो ना इस तरह लड़के को बात नहीं करने सुन लो ध्यान से तुम्हें बहुत पेचीदा टॉपिक हवा नहीं आने की याद रखना ये जितनी खिल्ली सी पाड़ रहे हैं ना एक ही धरी की धरी रह जाएगी दो मिनट बाद इसलिए कह रहे चुपचाप बैठ जाओ शांति से जिंदगी में महत्वपूर्ण न्यूनतम कितने दिन जिए ये महत्वपूर्ण हो हम कितने दिन जिए और उन दिनों में कितना जिए इतना यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ोगे ना बस उसी दिन जिए उसकी बाद ना डेथ प्रोसेस शुरू होगा तुम्हारा क्यों तुम्हारा दिमाग नहीं डेवलप हो पा रहा ना नवीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही अब समझ में आया बात क्या जितना दिन इस क्लास में बैठ के पढ़ोगे ना उतने ही दिन जिए उसके बाद तो डेड हो जाओगे समझ में आया बात क्या आइंस्टीन ने किसी जमाने में कहा था कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति ना करने वाला इंसान मृतक इंसान के समान हो मृतक इंसान इसलिए इंसान को हर दिन सीखने में भलाई हो हर दिन तो तुमने सीख रहे कोई और सीख रहा तुम्हारी एज का तुम लगाओ बाबू सोने के साथ बात ऐसा बोल सही है इसे बोलते तरंग धधरी है तो जो न्यूनतम दूरी हो ना जो कम से कम दूरी हो यही तरंग धधरी हो जो न्यूनतम दूरी हो क्या बोलो वैसे इसकी दूरी देखो कितनी बैठेगी यहाँ तक बैठेगी दूरी जाकर बैठेगी नहीं बहुत लंबी बैठेगी लेकिन जो कम से कम दूरी हो ना उसे हम तरंग धधरी बोलते हैं तरंग धधरी है या हो तरंग धधरी न्यूनतम दूरी तरंग धधरी कहलाती है जो न्यूनतम दूरी हो ना वही क्या कहलाती है इतनी बात बताओ तरंग धधरी समझ में और जब ये ना तरंग अपना एक जो प्रकाश की तरंग जब अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है यहाँ तक इसका एक चक्कर कंप्लीट होगा तो जब एक चक्कर कंप्लीट होगा ना ऐसा इसे बोल लेंगे एक कंपन दो कंपन तीन कंपन चार कंपन पांच कंपन छह कंपन सात कंपन इसे बोलते हैं आवृत्ति आवृत्ति ऐसा समझ जैसे मैंने एक स्प्रिंग ले लिया हमने और ऐसा करके ऐसे खींच दिया स्प्रिंग को तो उसमें एक कंपन दो कंपन तीन कंपन चार कंपन पांच कंपन छह कंपन सात कंपन आठ कंपन समझ गए ना इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी आवृत्ति एक तो तरंग धधरी समझाया तुम एक समझा आवृत्ति आ जाओ आवृत्ति इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं विशेष डिनोट बाय एफ इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं एफ आवृत्ति याद रहेगी एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे एक सेकंड के अंदर जितने भी कंपन होंगे ना उसे हम आवृत्ति बोलते हैं इसे आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ऐसा समझ लो जब किसी इंसान की मृत्यु जा पिक्चर में देखा तुमने पिक्चर में जब किसी इंसान की मृत्यु जा ना मशीन से लगा कर रख उसके नाक मंडली देकर रख समझ में आया बात या आया समझ लो और उसके पेट में पता नहीं दो स्टेटोस्कोप से लगा कर रख और जब ये लगा कर रखते हैं आया समझ लो तो उसके सामने जो मशीन है ना अचानक भगवान तो बाहर खड़ी होकर कोई पूजा कर रही पिक्चर में होता नहीं पूजा कर रही अब उसको तो मर चुका था और मशीन ऐसा चलो नू चलती नहीं चलती तुरंत सांस आएगा ऊपर पड़ता ऊपर से भी फटाफट फूल गिरा उसके हाथ में भगवान ने आशीर्वाद दे दिया दोबारा जन्म हुआ होगा ऐसा पिक्चर हो इतना घंटा बजाई रही थी ऊपर अचानक डॉक्टर आया पीछे बाहर निकल तुम्हारे पति को सांस आ गया है ऐसे ही होगा तो ये ना एक दो तीन चार पांच छह इसे बोलते फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हो अब नहीं भूलने के ऐसे बज बुझा रहा है तरंग धधरी भी समझ में आई न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है कम से कम दूरी तरंग धधरी कहलाती है तो तरंग धधरी एक प्रकार की दूरी हो लेकिन बहुत कम दूरी हो आया समझ में अगर किसी की तरंग धधरी बहुत ज्यादा हो ना तो वो सबसे फास्ट चमकता हो तुमने कभी शादी में जाते हुए एक बात नोट करी ध्यान से सुन लीजिए अच्छे तरीके से जो दुल्हन है वो हमेशा लाल जोड़ा पहन कर आती है ऐसे समझ लाल जोड़ा पहन गाती है कि उसके गाना बता दो कोई लाल जोड़े का मुबारक कि तुमको तुम्हारी सदा दुखी रोए दुआ है हमारी था क्या कुछ और था सदा खुश रहो खुश था यही था दुखी रहेगी जाओ जब मेरी शादी शादी करी तो दुखी रहेगी इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई जरा एक बात बताओ जो लाल कलर हो लाल कलर रेड कलर जो ध्यान तो सुनना जो रेड कलर हो ना जो कि मेरा फेवरेट कलर रहा बचपन से ही समझ में आई बात क्या क्योंकि लाल रंग खतरे का प्रतीक हो इसलिए जो डेंजरस के चिन्ह हो ना ऐसे हड्डी वाले वो भी लाल रंग के बनाए जा
डेंजरस की चीज देखे तुम ना, जब तुम खेतों में जाओगे खेत पर अरे 11-22 हजार की लाइट की लाइन दिखाई देगी, उसको खंभों पर डेंजरस का हड्डी वाला चिन्ह बनाकर रखो, लेकिन लाल कलर का ही होगा। इसीलिए तुम रास्ते में जाओगे जो सिग्नल हो सिग्नल वो लाल कलर का बना जा, लाल पर रुक जा और हरे पर चल जा। ऐसा समझो लाल पर रुकी क्यों जा, हो नहीं होता है समरसेबल में क्या हो। अच्छा बटन वो भी लाल रंग का ही, देखो ये भी कह रहे कि जो समरसेबल में बटन वो भी लाल रंग का ही हो। अरे भाई और पता नहीं क्या क्या हो लाल रंग का। हाँ देखो रेड कलर का लगा हुआ, लगा हुआ नहीं खतरे का प्रतीक हो बाबू बाबू चुप हो जाओ बस कोई दिक्कत यहां तक। जो लाल रंग हो खतरे का प्रतीक हो, इसलिए मैं पहले जब रेड टी शर्ट पहन कर आता था ना तो बच्चे पता क्या कहते थे, आज तो पक्का हो जाएगा। लाल रंग किसका प्रतीक हो, तो फिर ये बच्चे तो दूसरे बच्चे तो ये पूछ रहे थे लाल कपड़े तो नहीं पहनना क्या आज। हाँ पहना पिटता आज तो गए सब सारे रियलिटी बात है, किसी बच्चे ने पूछा पुराने वालों थे यहाँ थी समझ में बात किया, डरते डरते होते हैं कि आज तो सुनेंगे और पक्का मारेंगे 100% मारेंगे। एक एक दूसरे से पूछ रहे, जो अगले वाला बैच चलेगा उसको पूछ रहे थे कि हाँ कौन से कपड़े पहन रखे, ऐसा समझ उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे। एक चीज और पूछते थे मूड कैसा, दो चीज पूछते थे मूड कैसा, उन्होंने कहा मूड आज तो बढ़िया, ऐसा समझ लो ठीक। फिर दूसरे पता क्या कहते हैं, आज बात होगी दिख इधर देख इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कितना गुजर रहा है। चलो चुप जाओ बात ना करो। तरंग धैर्य आवर्ती समझ में आई, तरंग धैर्य और आवर्ती समझ में आई। यार देखो बात करो, अब हम उस महत्वपूर्ण बिंदु पर जाने वाले। बाबू देखो यार कैसे हो तुम, कहीं का बाबू हो तुम, बदतमीज बाबू हो। ये पहला पॉइंट था। दूसरे नंबर का पॉइंट समझाने वाले तुम, एक हो अपवर्तनांक। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, सारा लिखवाऊंगा, सबकी फॉर्मेटिंग करवाऊंगा, कॉपी पेपर में कैसा क्वेश्चन आऊंगा वो भी बताऊंगा, साफ साफ सुनहरे अक्षरों में भी लिखवाऊंगा। बुझा रहा है समझ में आया बात यार। और उसके बाद ना कल से मैं ऐसा करूंगा, कल से जाकर ना टाइम कम है मेरे पास, यहाँ समझा दूंगा, घर जाएगा चुपचाप वीडियो देखना, दूसरों के फोन में दोस्तों के साथ बैठ बैठ कर सबके घर में फोन मौजूद है, मेरे पास टाइम बच जाएगा मेरा। समझ में आया बात यार, यहाँ मैं लिखाऊंगा खड़ा होगा, एक तो तरीका होगा मैं यहाँ बोल के बताऊंगा, तुम वीडियो देखोगे रोक कर देखोगे सारे सब बच्चा इस तरह ही देख रहा, टाइम बचा रहा, 12वीं क्लास का बच्चा इस तरह बोल जा टाइम बचा रहा, 10वीं का बर्बाद कर रहा। अपने घर वालों को फोन ले लो, मुझे घंटा फोन चाहिए साइंस का लिखना, पाए काम दिया भाई जी ने, बात खत्म। और यूँ नहीं है कि मेरे बहन ने फोन ले लिया और वहां लग रहे ये बत्ती नहीं हिंडा नहीं कर लोगे इतना तो घर में फोन तो होगा ही यार, स्मार्टफोन तीन तीन फोन ऐसा मान के चलता हूँ सबके घर में फोन होगा। ऐसा समझ में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखते मैं तभी यहाँ सारा समझा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, यहीं से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी मैं सारा बता के चलूंगा। सुनो अब हम समझते हैं अपवर्तनांक क्या, अपवर्तनांक अपवर्तनांक क्या हो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स। ध्यान तो सुनना, जो लाल रंग वो भी एक प्रकार का माध्यम हो, हरा रंग भी एक प्रकार का माध्यम हो, पीला रंग भी प्रकाश का एक प्रकार का माध्यम हो, समझ में आया बात है। ध्यान सुनो, तो जो अपवर्तनांक हो ना ये आपको ये बता देगा कि प्रकाश की चाल तेज चलती हुई कम चलती होगी। अपवर्तनांक आपको हमेशा ये बता देगा कि प्रकाश की तेज चाल जो होगी तेज चलती होगी कम चलती होगी, प्रकाश की जो किरण किरण होगी और तेज चलती होगी कम चलती होगी। अगर किसी माध्यम में अपवर्तनांक ज्यादा हो ना किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल कम हो, ये बात हमेशा याद रखना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो ना उसको प्रकाश की चाल कम हो। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, एन बराबर सूत्र हो, एन बराबर सी ए पोन वी, ये सूत्र सूत्र, अगर अपवर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश की चाल कम, अगर अपवर्तनांक कम तो प्रकाश की चाल ज्यादा, ये सूत्र बताओ, ये सूत्र ने बताया हम कि अगर प्रकाश की चाल ज्यादा हो ना तो अपवर्तनांक कम होगा, अगर प्रकाश की चाल कम हो तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। बुझा रहा है, दो माध्यम हमारे पास, एक तो x, x का अपवर्तनांक 1.3, y उसका अपवर्तनांक 1.6, बता सकते हो कौन से माध्यम है, x x के अंदर प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, y के अंदर, x के अंदर जिसके अंदर कम जिसका अपवर्तनांक कम होगा ना ऐसा समझ, उसे प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। बताया तो यहाँ सूत्र यही तो बता रहा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसे प्रकाश बहुत तेज चलता होगा। याद रहा ये बात है, दो माध्यम मेरे पास a b, ए का अपवर्तनांक 10, बी का 5, किस प्रकाश तेज चलेगा, 5 में नहीं बीमा 5 के भीतर चलेगा, कुछ भी अपवर्तनांक समझ में आया। तो अपवर्तनांक का मतलब पता क्या हो, अपवर्तनांक का मतलब हो इंडेक्स बोलते हैं, ये प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता कि उस माध्यम के अंदर प्रकाश कम चलता होगा तेज चलता होगा।
बुझा रहा है, समझ में आ रहा है। दो वर्ड समझाए मेरे द्वारा, तरंग दैर्ध्य, जो प्रकाश तरंग हो उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी हो, प्रकाश तरंग की जो न्यूनतम दूरी हो प्रकाश, उसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे ऐसे समझ, उसे बोलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति ऐसे समझ। और उसके बाद जो प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता हो कि माध्यम के, माध्यम का जो माध्यम कौन से माध्यम, उसे हम अपवर्तनांक बोलते हैं। प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देगा, अगर अपवर्तनांक कम होगा प्रकाश तेज चलता होगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा प्रकाश। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो तीन, अब सवाल नेक्स्ट पॉइंट। बाबू इधर देख लो, तीसरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझाने जा रहा हूं। पहला पॉइंट हुआ तरंग दैर्ध्य, दूसरा अपवर्तनांक, और तीसरे नंबर का हो उसका नाम पता क्या हो, उसका नाम हो विचलन, विचलन। इसे बोलते हैं डेविएशन, डेरिवेशन, डेविएशन, डेविएशन, ऐसे समझ लो। इसे ना डेल से प्रदर्शित करते हैं, डेल, ये हो डेल, मेरा नाम तो जानते होंगे एस, उसकी डंडी से पीछे मोड़ दो, इसका नाम हो डेल, डेल, अच्छा लग रहा ना, इसका लग, बहुत बड़ी क्लास से पहुंच गया, कुछ कहीं नहीं पहुंचे, याद आएगी बात, या डायन कौन बोलना, डैन, डेल, ये डेल, विचलन। अच्छा विचलन का मतलब पता क्या हो, अगर किसी का अपवर्तनांक ज्यादा होगा ना उसका विचलन भी ज्यादा होगा, अगर किसी का अपवर्तनांक ज्यादा होगा ना, सच्ची सच्ची सच्ची, डेल बराबर सूत्र, डेल बराबर एन इंटू ए माइनस वन, ये सूत्र याद नहीं रखने, बस इस सूत्र याद रखना कि अगर किसी का अपवर्तनांक ज्यादा ना उसका विचलन भी ज्यादा, किसी का अपवर्तनांक ज्यादा ना, एन का मतलब अपवर्तनांक का इंडेक्स है, अगर अपवर्तनांक ज्यादा ना किसी का उसका विचलन भी ज्यादा होगा, ये बात भूलना मत, किसी का अपवर्तनांक ज्यादा, देखो यहाँ ये एन, एन का मतलब तीर का चिन्ह ऊपर को लगा दिया, अपवर्तनांक ज्यादा तो फिर विचलन भी क्या होगा, आया विचलन भी ज्यादा होगा, याद, अगर अपवर्तनांक कम होगा ना विचलन भी कम होगा, अपवर्तनांक विचलन भाई भाई, अपवर्तनांक विचलन भाई भाई, अपवर्तनांक विचलन भाई भाई, अपवर्तनांक ज्यादा, अपवर्तनांक ज्यादा विचलन भी ज्यादा, अपवर्तनांक कम विचलन भी कम, अपवर्तनांक ज्यादा विचलन भी ज्यादा, घंटा भाई भाई कहाँ हो गए, अपवर्तनांक और विचलन, अपवर्तनांक और विचलन भाई भाई, अपवर्तनांक और विचलन भाई भाई, याद रही बात, तीन पॉइंट बताए, तरंग दैर्ध्य समझ में आ रहा है, न्यूनतम दूरी तरंग दैर्ध्य निकालती, आवृत्ति एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे, क्या कहलाती है आवृत्ति, आवृत्ति, समझ में आया बात, या एक सेकंड में जितने कंपन होंगे उसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति, कोई प्रॉब्लम है तक। और भाई ये बताओ जो अपवर्तनांक हो, अपवर्तनांक किसके बारे में जानकारी देगा, अपवर्तनांक जारी प्रकाश की चाल के बारे में, अगर अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा प्रकाश की चाल क्या होगी, बुझा रहा है। अच्छा सबसे कम अपवर्तनांक वायु का हो, इसलिए वायु में प्रकाश की चाल तेज चले, वायु, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम हो इसलिए वायु में प्रकाश की चाल तेज चले, यकीन नहीं आता ना, तुम एक बल्ब ले आया समझ में, उसे कांच वाले कमरे में जलाओ, इतना चांदन रहने का जितना एक बाहर पेड़ पर, आम के पेड़ पर टांग कर 10 रुपए का होल्डर लाकर और 5 रुपए की डोरी लाकर और 12 रुपए का सूर्य बल्ब लगाकर आ जाएगा चांदना चारों तरफ फैल जाएगा, इसे बाहर वायु वायु नहीं है और अंदर कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल तेज नहीं होने की, वायु प्रकाश की चाल तेज होगी, क्यों, जिसका अपवर्तनांक कम, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वहां प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, साफ कहना दुखी रहना, समझ में। अरे यार वही बता, एक दो तीन, विचलन समझ में आया, विचलन, डेविएशन समझ में आया, दिक्कत तो नहीं आया, एक दो तीन, हाँ सोच मई क्या, अगर किसी का अपवर्तनांक ज्यादा और विचलन भी ज्यादा, सोच मई क्या, और सोच मई क्या, ओए चुप, अपवर्तनांक, हेलो समझ में आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या, नॉलेज मिल रही है क्या, मतलब किसी का मूड खराब हो ना चुपचाप मेरे वीडियो दिखा दो, ये क्या तरंग था तरी है, तुम तो क्लास में ना यहाँ जो आ रहे बाद में जाके अभिलेख बढ़ने वाले, अभिलेख क्या होता, जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे ना, ऐसा समझ, अगर उन्हें कोई बात पता आगे पहुंचानी हो, अगली वाली पीढ़ी को बतानी हो, तो पता क्या करते हैं वे ना, पत्थर पे लिखवा देते, फिर अगले वाले लोग थे पढ़ के पता लगा होते इस राजा ने काम करवाया था,
ऐसा बच्चा तो हमने वीडियो बना रखी इस तरह इन वीडियो में तुम मौजूद हो, आने वाली जो पीढ़ी 4 साल बाद पढ़ रही होगी आए भाई इस तरह हाँ पढ़ा होते हम सब मर गए, खुदाई कर करके रखोगे मोबाइल फोन निकाल लेंगे इसके अंदर हमारा वीडियो भी चल रहा होगा और तुम यहाँ बैठ कर दांत भी फाड़ रहे होंगे। अभी मैंने कहा लिखने को गांव बसेनी 1 2 बाबू तो अगर किसी का प्रतनांग ज्यादा तो विचलन भी क्या होगा? अच्छा विचलन का मतलब पता क्या हो? मुड़ जाना, जो ज्यादा मुड़ जाएगा उसका ज्यादा विचलन होगा, ज्यादा मुड़ जाना, ज्यादा विचलन, अपने रास्ते से भटक जाना, ऐसे जा रहा सुनो रास्ते से तुम ट्रक जा रहे नहीं तुम रास्ते में ना कोई पापा की परी फोन लेकर जा रही ऐसे 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 करते चले जा रही तुम हो जाओ ऐसे फोन कर चलती जा रही मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करने की आज के बाद फोन ध्यान लगाएगा तुम बहुत खराब हो तुम बदतमीज हो समझ में बात है ऐसे ऐसे ये पापा की परी होगा सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके ध्यान से सुन लेना सुन लो मैं तुम्हारे साथ आज के बाद बात नहीं करने की ऐसे चल रही पूरी लगी पड़ी पूरा गुस्सा आ रहा सर वे जो लाल लाल सिंबल थे उन्होंने गुस्से वाले मुंह से मैं बनाए बनाए भेजी मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी ब्लॉक करो मुझे फलाना डीएम को इतना पढ़ सारा जीटी रोड बजा रही इतना पल्ले तरफ तो कोई हरियाणा के ट्रक वाला आएगा नुकरा किधर भाग गई कभी इधर भाग गई कभी इधर भाग गई ये थोड़े सामने जाएंगे उससे कहेंगे लड़की अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी विचलित उसका विचलन तुरंत बिगड़ जाएगा समझ में आया बात ये हाँ ठीक जान बचानी भरी हो जाएगी वो ऐसा ठीक आधे जा रहे माता के मंदिर में हाथ जोड़ने माता की तरफ किसी की नजर नहीं है समझ में आई बात है भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं बेटे पाप चढ़ा दो नहीं जहां मंदिर में जा रहे ना मंदिर में भगवान की तरफ किसी नजर नहीं है भगवान सोचता देखा आस पास है क्या क्या प्रसाद कहाँ रखा हुआ लोगों ने क्या औरतें हो ओए बात ना करो यार बात ना करो तो वहां ना तो वहां विचलन ज्यादा हो जैसे भाई शादी शादी में चले गए आए समझ में तो पता क्या करें शादी में घुसेंगे जैसे सुन लो ध्यान से जैसे शादी में घुसेंगे ना पहले ही स्टार्टिंग में तो पहले हम देखेंगे कितने लोग खाना खा रहे प्लेट ठहरने का समारोह आया नहीं है फिर धीरे धीरे प्लेट की तरफ आकर्षित हो गए जैसे प्लेट की तरफ आकर्षित हो गए ना ऐसे समझो उसकी तरफ तरंग दे कम करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी हाथ बढ़ाएंगे इतना पढ़ लिया तो मालिक क्या कर रहा है अमन को लगा रखा वहां प्लेट साफ कर दो चुप हो जा बात करो तुरंत विचलन बिगड़ा नहीं बिगड़े तरंगदरी होगा अपरतनांक होगा विचलन होगा बहुत बड़ी चीज है विचलन समझ में आया बात इसलिए समझा रहा हूँ जिस इसका विचलन बिगड़ रहा है ना अगर अभी विचलन नहीं सुधरा तो जिंदगी में आपको फिर सुधारना पड़ेगा कठिनाई पैदा हो जाएगी समझ में आया बात यार मेरा भी विचलन बिगड़ा था एक बार आए समझ में फिर मेरा जब एक बार बिगड़ गया ना फिर मेरा कई बार बिगड़ा तो समझ गया ना बहुत बड़ा सवाल था ना यो ओए जब मेरा एक बार विचलन बिगाड़ जाने किसी ने फिर मैं कई बार किसी का कितना बिगाड़ा तुम ऐसा काम नहीं करना बिल्कुल भी इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई मजा आ रहा क्या बोर तो नहीं हो रहे मेन चीज पढ़ाई में से तक हो अच्छी पढ़ाई जब हो जब इंसान का शरीर स्वस्थ हो समझ में आया बात है 50% पढ़ाई फालतू सीख जाता इंसान खुशी नहीं है टीचर के और बच्चे के बीच में बहुत गैप हो स्कूल में इसलिए वहां सीख नहीं पाते पर्सनली कनेक्टेड नहीं होते बच्चे वहां और यहाँ तो इस तरह बैठा तुम घर में बैठे हो आनंद आ रहा जो पूछना पूछो खुलकर समझ में आया बात है कोई दिक्कत है यहाँ से समझ में आ रहा नहीं इसलिए टॉपिक अच्छे समझ में आते हैं पहले क्या था पता कि पहले किस टाइप के टीचर थे अगर कुछ करना चाहिए बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना चाहिए थाना मास्टर का समझाओ करना अब जमाने बदल गए ओए यू वैश्वीकरण का दौर है
चलो ध्यान से देखो, तीन वर्ड समझ में आए, तरंग दैर्ध्य, अपवर्तनांक और विचलन। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं, बाबू इधर नोट नंबर फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एडवांस बात ना करो यहां, नोट नंबर फर्स्ट। ओ पेपर मांगा है, जहां भी आए थे मैंने सन लिखा ना और उसको दिल बना दिया, हो सकता पेपर बनाया हो, रिलेटिव बात पक्का का, सुन लो ध्यान से, यहाँ नहीं आगे पेपर मांगा आ जाओ, कहीं ना कहीं टकरागा जरूर, पक्की बात, वादा रहा प्यार से प्यार का। चले इसमें मुझे देखो, यूं बताओ जो सात रंगों में प्रकाश किरण थी, अब देखते कितने तेज है तुम, कितने तेज तरक्का तुम, कितने शब्द मछली खा रखी है, पता लगेगा किसकी नजर सबसे तेज है। सोल सोल बेटा सोल 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 ध्यान से तरीके से ध्यान से सुनना, ये श्वेत प्रकाश किरण थी, सात रंगों में बढ़ चुकी, कौन से रंग की प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी बताना, क्यों होगी तरंग दैर्ध्य, क्या पहले बताओ, कम दूरी हो, सबसे कम दूरी किसकी दिखाई देगी, इसका मतलब उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, और जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी वो सबसे तेज चमकता होगा, इसलिए दोनों लाल जोड़ा पहन जाती है। बेटे दुल्हन की फिजिक्स का इस्तेमाल कर रही है, समझ में, इसीलिए खतरे के निशान लाल रंग के बने जाते हैं, डेंजरस का चिन्ह लाल रंग का बना जाता, उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो, अब यूं यहां किसी को रास्ते में देख ले, आज तो तेरी तरंग दैर्ध्य बढ़िया लग रही कान में मरा दिखा गाली दे रही ये गाली दे रहा, समझ पाया, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कभी सारी तरंग दैर्ध्य उतार दो, समझ में, दूसरे नंबर पर आए, दूसरे नंबर, पहले पॉइंट याद रहेगा, जिस रंग की प्रकाश किरण का लाल रंग है ना, लाल रंग की जो प्रकाश किरण है, लाल रंग की प्रकाश किरण, प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक, अभी बताओ जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी ना, यहाँ तो सुनना चाहिए तो, उसकी तीव्रता भी ज्यादा होगी, तीव्रता तीव्रता और चमकता भी ज्यादा, तीव्रता का मतलब चमकता ज्यादा होगा, उसकी तीव्रता भी अधिक होगी, उसकी तीव्रता भी अधिक होगी, अधिक होगी, ज्यादा चमकता होगा, चमकता होगा, इसलिए देखो इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं तुम ध्यान से सुनना चाहिए तरीके, अगर किसी की है ना फेस पर जरा सा भी अगर सिंबल बन जाओ और थोड़ा सा भी स्पॉट निकल कर थोड़ा सा भी खून निकल जाए एकदम चमक जा, इसलिए ना तुम दो बूंद लेना, एक ड्राइंग का शीट लेना इधर, एक लेना इधर, एक ड्रॉप डालना उसके ऊपर ब्लू कलर की, और एक डालना उसकी क्या कहते हैं उसकी रेड कलर की, रेड कलर की इतनी नहीं फैलनी जितनी ब्लू कलर की फैलना है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो छोटी सी भी बहुत कम दिखाई देगी, इसलिए दिन में भी ना लाल रंग साफ दिखाई दे, दिन में भी लाल रंग साफ दिखाई दे, ऐसा समझ, लेकिन जो ना जो जब तुम्हारा पैन उबड़ जाता इंक चारों तरफ फैल नहीं जाती हो नीले कलर का, ऐसा समझ, आधा तुम हुआ यहाँ भी लग जा, आधे के यहाँ लगा हुआ इंकते मैंने चट्टा मैट दिया तो यहाँ भी लग गया, दो घंटे वहां बुरे बढ़ने में लगा हुआ स्कूल में, चुप हो जाओ, हो इस तरह अंजू भी चल रहे ऊपर तक, ऊपर नाक भी चल रहा ओए तुम जब बात करो तो ये बताओ लाल रंग की जो प्रकाश तिरंग तरंग हो ना सबसे अधिक होगी, उसकी तीव्रता भी ज्यादा होगी, चमकता ज्यादा होगा, इसलिए खतरे के निशान कैसे बनाए जाए लाल रंग में, खतरे के निशान इसलिए लाल रंग के बनाए जाओ, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा हो, याद रही जो सिग्नल हो ना सिग्नल लाल रंग के बनाए जा, क्यों डेंजरस के चिन्ह भी सिरे में ज्यादा चमकते हो ना, कम में ज्यादा चमका, तुरंत समझ में बात है,
तो जो अगर तुमने कहीं अपने घर के बाहर बोर्ड बनवाना हो ना, तो रेड कलर का बनवाना। मान लो तुम कल चाउमीन की दुकान खोलते हो, आया समझ लो, एक बच्चे का नाम बताओ जिसे चाउमीन पसंद हो, और आया समझ लो चाउमीन का कारोबार करेगा। अभी सोच रहे चाउमीन छोटा काम होगा, अभी देखो तो तुम्हारे यहाँ खुल जाएगी चाउमीन वाला। अच्छा अमन, तो जब अपने घर के बाहर बोर्ड लगाओ ना, देखो चाउमीन का कितना तगड़ा कारोबार है, चाउमीन का करो। यहाँ तो सुना अच्छे तरीके से, दिल्ली की बता रहा हूँ, दिल्ली में एक प्लेट ना, सुनो ध्यान लगा, दिल्ली में औसतन एक प्लेट ना, यहाँ तो सुना अच्छे तरीके से, एक प्लेट 60 रुपए की करो चाउमीन की दिल्ली में। स्टेशन के बाहर में बता रहा हूँ, मैंने तो पूछा, और वो ना एक दिन में 2000 प्लेट बेचता, कितनी 2000 प्लेट बेचता, गुना करियो करेगी इसकी 6 × 12 आया समझ लो, और ये 1, 2, 3 120,000 एक दिन में कमा के लेके जा रहा हूँ, समझ में आया, चाउमीन बेच कभी उस यार बंद हो, एक दिन की नहीं कमाया और 30 दिन की 30 लाख तो पड़ जाएगी, देखो कभी उस यार बनते हो, समझ में आया बात है, एक दिन की इनकम है, ऐसे ऐसे भी जानते हो, तो रोजगार की कमी नहीं है, करने वाले हुई कभी भाई, समझ में आया बात है। जब तक तुम मेरे साथ पढ़ते रहोगे ना, बहुत सारे रोजगार बता दूंगा मैं तुम्हें, बहुत सारे भूखे नहीं, मेरे पास पढ़ने के बाद खास बात यहाँ भूखे नहीं मरने की, बात करो ओए सुन लो, नेक्स्ट, एक लाल रंग की जो प्रकाश किरण हो उसकी जो तरंगदैर्ध्य हो सबसे ज्यादा हो, इसकी तीव्रता भी सबसे ज्यादा होगी, चमकता होगा, थोड़ा सा भी कम चमकता होगा, बहुत उदाहरण दे दिए, लेकिन एक बात बताऊं तुम, जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा हो ना, तरंगदैर्ध्य ज्यादा हो उसका जो अपवर्तनांक, उसका विचलन होगा, देखो विचलन कम होगा उसका, सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी, लाल की, एकदम चमकता, तो फिर सबसे कम किसकी होगी, बैंगनी की, आया समझ में, क्योंकि सबसे ज्यादा दूरी तो इसकी है, जिसकी सबसे ज्यादा दूरी होगी ना उसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी, आया समझ में, वो कम चमकता होगा, वो फैलता होगा ज्यादा, समझ में आया बात, या तो पूछ ना, दूसरा पॉइंट तुमसे, दूसरा नोट पूछ, कौन से रंग की प्रकाश की रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी, ये सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा लाल की होगी और सबसे जो कम होगी ना होगी वायलेट की, यानी बैंगनी रंग की, बैंगनी रंग की प्रकाश की रंग की तरंगदैर्ध्य कम होगी, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण, भाई बात ना करो बिल्कुल भी, प्रकाश बैंगनी रंग की प्रकाश किरण की तरंग सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, याद रहा ये बात, या सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, आए समझ में। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, कौन से रंग की प्रकाश किरण को सबसे ज्यादा दूर तय करनी पड़ती है, लाल को बैंगनी को, देखो बैंगनी कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, लाल को कम दूरी तय करनी पड़ रही है, याद रहेगी बात, कोई बात तो दिक्कत नहीं है। अगर अभी तो हमने तरंगदैर्ध्य के बारे में पढ़ा, अब तरंगदैर्ध्य की बात जाएंगे हम, किस पर, उस पर अपवर्तनांक पर, अपवर्तनांक, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका विचलन, इससे हम सबसे पहले दूसरे पॉइंट पर विचलन पर जाएंगे। अब डायग्राम के अंदर ना, स्पेक्ट्रम के अंदर देख कर ये बताओ, आए समझ में, कौन से रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे ज्यादा हुआ, देखो सबसे ज्यादा विचलित बैंगनी रंग की प्रकाश किरण, आया समझ में, जो बैंगनी रंग की प्रकाश किरण है उसका विचलन सबसे ज्यादा, तो जिसका विचलन सबसे ज्यादा हो उसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा हो, इसका मतलब इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हो, याद रहेगी बात, या इसलिए तो यार लिख, तीसरा पॉइंट लिखेंगे बैंगनी रंग की प्रकाश किरण, सुन लो, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का अपवर्तनांक सबसे बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन लिखो पहले, विचलन अधिक होगा, ये बताओ, तो जब इसका विचलन सबसे अधिक होगा तो सबसे कम किसका विचलन होगा, ये सारे सवाल पूछे हुए मेरे को, कौन से रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे ज्यादा हो, बैंगनी का, किसका कम हो, वैसे ऐसे देख लेना सब खुद समझ में आ जाएगा, किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा हो, किसकी कम हो, जिसकी ज्यादा दूरी होगी ना उसकी कम होगी, न्यूनतम दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है, तो कम से कम दूरी हो, समझ में आया बात, ठीक, तो इसका बात
चौथे ये बताओ बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे अधिक होगा। तो यहाँ देखो चौथे नंबर का पॉइंट जो लाल रंग की प्रकाश किरण है, लाल रंग की प्रकाश किरण का विचलन जो विचलन होगा विचलन ऐसा सबसे कम होगा, कम होगा। ये पॉइंट लिख लोगे खुद, किसी बच्चों को दिक्कत आता है? चार पॉइंट हो गए, पांचवा पॉइंट ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, पांचवा पॉइंट। तो जिसका अपवर्त विचलन सबसे ज्यादा होगा, पांचवा छठा पॉइंट खुद देखना, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का अगर विचलन ज्यादा, तो जिसका विचलन ज्यादा हो उसका अपवर्तनांक भी क्या, यहाँ क्या लिखोगे बताओ, पांचवे पॉइंट में क्या लिखोगे, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, सबसे अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, जिसका विचलन सबसे ज्यादा ना उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। आया समझो, फिर लिखोगे छठे नंबर का पॉइंट लिखोगे, लाल रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम हो, विचलन नहीं अपवर्तनांक, विचलन तो नीचे लिख दिया, अपवर्तनांक सबसे कम होगा, अपवर्तनांक और विचलन क्या हो भाई, भाई ये सारे सवाल पेपर में पूछे हुए, समझ में आ बात या? तो कौन से रंग की पर, अब मैं तुमसे शॉर्टकट सवाल पूछता हूँ, तुम बताना किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा किसका कम होगा, बताओ कौन से रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे ज्यादा होगा, विचलन विचलन देखो ना किसका ज्यादा विचलन, यहाँ देखो वायलेट बैंगनी का, अच्छा ये बताओ कौन से रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम होगा, लाल का, लाल रंग की प्रकाश किरण का, लाल रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम होगा। आया समझ लो, किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, जिसका विचलन सबसे ज्यादा होगा ना उसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होगा, विचलन अपवर्तनांक भाई भाई नहीं बताए थे, बदतमीज गई मैं, कौन से रंग की प्रकाश की रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, और जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी वो ज्यादा चमकता होगा, थोड़ा सा भी कम चमकता होगा। आए समझ में, इसलिए खतरे के निशान कैसे बनाए जा लाल रंग के, आए समझ में, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, सूर्य देखा तुमने, सूर्य सूर्य सुबह को उदय हो ना, तो सूर्य हो, सूर्य हमारे बहुत नजदीक हो, जब उदय हो, यहाँ तो सुनना अच्छे तरीके से, ये पूछा गया कि जो जब सुबह को सूर्य हो ना, सूर्य उदय हो और सूर्य शाम को छिपता हो, सूर्य उदय हो और शाम को छिपता हो, सूर्य के उदय होने सूर्योदय, जब सूर्य उदय हो ना सुबह सूर्योदय, अच्छा सूर्य छिप जाना तो बोलो सूर्यास्त, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है ना उसका जो कलर हो वो लाल रंग का प्रतीक है, ऐसा क्यों, और समझते हैं ऐसा क्यों, ये हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ, ये पृथ्वी, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ये हमारा सन, सन सुबह का समय है, सुबह का, सुबह और शाम तक यहाँ पहुंच चुका होगा, शाम ये सन, ये शाम, याद रहेगी बात है, और दोपहर में यहां चले जाएगा सूर्य, एडवांस ना बोलो, जब मैं टॉपिक समझा रहा हूँ समझ में आया बात, चुपचाप बैठ जाओ शांति से, स्कूल नहीं आया, मैं भी कह रहा हूँ चुप हो जाओ, ये कमजोरी नहीं है जी, ये भी कमजोरी होगी, फिर सुबह के और शाम के टाइम कमजोरी हो, और जब दोपहर हो ना उसमें ज्यादा दूरी हो, और जब दोपहर में ज्यादा दूरी हो तो ये समझ जाओ ये येलो नहीं होगा, आया समझ में, तो येलो होगा देखो येलो, और दोपहर में पीले कलर दिखता सूर्य, और सुबह कैसे दिखेगा लाल, क्योंकि कमजोरी तय करनी पड़े, कमजोरी तय करनी पड़े, और जब कमजोरी तय करनी पड़ेगी सुबह कैसे दिखाई देगा लाल दिखाई देगा, और जब सब कुछ चले जाएगा शाम को चले जाएगा तब भी नजदीक आ जाएगा, जब नजदीक आ जाएगा कमजोरी, क्योंकि न्यूनतम दूरी ज्यादा तो लाल नहीं दिखाई देगा, ऐसे समझ लो, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, अगर पेपर में सवाल आया कि सूर्य देता था सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत हो, कैसे बताओगे दूसरों को, ऐसे बताओगे देख जब सुबह हो ना उसको कमजोरी तय करनी पड़ती है, यहाँ देख लो मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ सूर्य जब सूर्य सुबह को उदय हो ना, ये लिखना पड़ता है उत्तर, तो उदय होते वक्त जो प्रकाश की किरण हो उसे पृथ्वी तक पहुंचने में कमजोरी तय करनी पड़ती है, जब कमजोरी तय करनी पड़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य है उसकी दूरी कम होती है, जिसकी दूरी कम होती है उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, और जब तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो तो कैसा लाल रंग का दिखाई देगा, और ऐसे ही शाम के टाइम हो, और लेकिन दोपहर में जाते 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 उसके बीच दूरी बढ़ने लगती है, दोपहर में इसलिए पीले कलर का प्रतीक हो, देखो बीच में पीला कलर दिखाई दे रहा है, ये सुन हल्का हल्का बुझा रहा है, ऐसे बजे कोई दिक्कत नहीं आया था, आज मैंने तुम्हें यो ना पूरी क्लास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताया, और इन्हें इतनी मजाक करी इसके अंदर, और तुम्हें बोर भी नहीं होने दिया, आया समझ में, और तुम अपनी क्लास में ना किसी बच्चे से पूछ लो अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य ये क्या हो और विचलन क्या हो, कुछ नहीं पता, सब टाइम पास कर रहा है, आया समझ में, किसी को कुछ नहीं पता, टाइम पास कर रहा है, खतरे के निशान लाल रंग के कुछ नहीं पता किसी को, दुल्हन लाल जोड़ा की पहनगा वो भी नहीं पता किसी को, आया समझ में, उसने पूछेंगे ना दुल्हन लाल जोड़ा की बार का वो उस लाल अच्छा लग, फिजिक्स के हिसाब से बता, फिजिक्स के हिसाब से
फिजिक्स चला वहां। इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं यार, कोई प्रॉब्लम आ तक? मैं चाहता हूँ, सुनो ध्यान लगाकर, मैं चाहता हूँ अपने इसका सूत्रपात कर लेते हैं। सूत्रपात क्या हो इसका, मतलब अपना नोट्स कैसे बनाएंगे हम? इतना सारा आपने पढ़ा तो दिया, आया समझ में? इतना तो मैंने दिमाग भी नहीं है, इतना आपने पढ़ा दिया, समझ में? अब आप इसका लिखवाओ भी आप इसे, समझ में आया बात है? तो मैं चाह रहा हूँ आप हेडिंग बना लो पहले कॉपी में, प्रकाश का बड़ विक्षेपण। लेट हो रहेगा, लिखो चुपचाप फटाफट। नहीं, हिंदी पहले हेडिंग बनाओ, प्रकाश का बड़ विक्षेपण जो मैं लिखवा रहा हूँ, हेडिंग बना लिया प्रकाश का बड़ विक्षेपण, इसके अंदर लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, लिखो तो कहीं जा रहा जल्दी लिखो। हेडिंग बना लेगा प्रकाश का बड़ विक्षेपण, दिस प्रेशन ऑफ लाइट, डी आई एस पी आई आर पी ए पी आर ए एस आई ओ एन पी आर ए एस आई ओ एन डिस्प्रेशन ऑफ लाइट लिख लिया ना, पहले लिखो उसके अंदर, जब कोई श्वेत प्रकाशीय किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब कोई श्वेत प्रकाशीय किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सात रंगों में विभाजित हो जाती है। लिख दिया? हाँ, तो वह सात रंगों में विभाजित हो जाती है। लिख दिया? इन सात रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। विभाजित हो जाती है, इन सात रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। बोर्ड पर भी लिखा हुआ, सात रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। लिख दिया? इन सात रंगों को विबग्योर की सहायता से, विबग्योर VIBGYOR को विबग्योर, ये लिखो विबग्योर VIBGYOR, इन सात रंगों को विबग्योर की सहायता से याद रखा जा सकता है। दिमाग बहुत खराब कर, इन सात रंगों को विबग्योर की सहायता से याद रखा जा सकता है, विबग्योर की सहायता से। अब ये वाला लिखो, ये वाला पोर्शन लिखो सारा, यहाँ वी का मतलब वॉयलेट हो, आई का मतलब इंडिगो, सब लिखो ऐसे तो याद रखते हैं, ये लिखो। लिख दिया? इसके बाद तुरंत चित्र बनाओ, ये वाला लिखना पूरा, ये सारा पोर्शन लिखना और ये वाला चित्र बनाना। बनाओ जल्दी फटाफट और साफ चित्र बनाना। जी बच्चे चित्र बना लिया बाबू, जी बच्चे चित्र बना लिया ना, ये वाला पॉइंट लिखो, ए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखो, और ये तीन पॉइंट लिखने के बाद ना फिर नीचे लिखो नोट, दिल वाले नोट, ये एक दो तीन चार पांच, और इस पांचवा छठा छठा नोट लिखने को दी, पहले इन्होंने एक दो तीन सब बनाना, यहां तक कुछ नहीं छोड़ना, कुछ भी, इसलिए तो समझ में आया तुम्हारी, ये सारे पॉइंट बनाने आया समझ में? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यहां तक पॉइंट लिख के दिखाओ सारे, लिख लोगे ना? आज के लिए इतना ही।